हेलो जी, की हाल चाल चिटोरो पॉइंट की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज होम किचन में हम बनाने वाले हैं साबूदाना खीर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जी, साबूदाना खीर बनाने के लिए हमने ले लिया है आधा लीटर दूध, उसके साथ 100 ग्राम साबूदाना जो 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया था, साथ में लिए थोड़ी सी चीनी, मिल्क मेड, अपने मीठा हम अपने हिसाब से रख लेंगे, केसर थोड़ा सा भिगो के रख दिया है, ये पिस्ता है जो हमने बारीक काट के रख लिया है, किशमिश भी हमने 2 घंटे पहले भिगो के रख दी थी, बादाम है थोड़ा सा काट के रख लिया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जी, हमने कढ़ाई रख दी है, इसमें मैं डालूँगा आधा लीटर दूध, इसको गर्म होने के लिए रख देंगे, अच्छी तरह पूरा उबाल आने देंगे इसको एक बार पहले। तो जी, आप देख सकते हो जैसे कि दूध में अब उबाल आना शुरू हो गया है, ये एक बार अच्छी तरह गर्म हो गया है। और अब इसमें बारी है साबूदाना डालने की, तो साबूदाना मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। ये देखिए कितना साफ़ और क्लियर साबूदाना है, इसकी वजह ये है, मैं इसको साथ के साथ डालता भी रहता हूँ और आपको वजह भी बता देता हूँ। तो आप भी इसको 3 से 4 बार अच्छी तरह पहले धो लें, उसके बाद 2-3 घंटे के लिए भिगो के रख दें, तो साबूदाना खीर बहुत बढ़िया बनती है। बस ये अब इसको आप जो है अगला उबाल आने तक में इस तरीके से धीरे धीरे हिलाते रहें। अब आपने इसको रोकना नहीं है, क्योंकि अगर आपने इसको रोक दिया तो ये साबूदाना नीचे बैठ जाएगा और जल जाएगा, तो खीर जो हमारी साबूदाना की जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। तो अगला उबाल आने तक में हमने इसको धीरे धीरे इस तरीके से हिलाते रहना है। तो जी, अब इसमें अच्छी तरह उबाल आना शुरू हो गया है, अब फ्लेम जो है मैं मीडियम कर दूंगा, अभी मैं फुल में कर रहा था, और इसको 5 से 7 मिनट मैं इसी तरीके से हिलाता रहूँगा ताकि ये नीचे ना लगे, और इसमें जो है धीरे धीरे थिकनेस आनी शुरू हो जाएगी, ये गाढ़ी होने लग जाएगी। तो जी, तकरीबन 5 से 7 मिनट मुझे हो गए हैं इसको ऐसे बॉईल करते हुए, आप देखिए इसमें थिकनेस आनी शुरू हो गई है। अब इस स्टेज में हम इसमें डालेंगे जो हमने केसर भिगो के रखा हुआ था, मैं वो इसमें ऐड कर रहा हूँ। बहुत ज़रा सा केसर हमने इसमें डाला है, आप देखिए कितना बढ़िया कलर आ गया है। तो जी, यहाँ पे मैंने फ्लेम जो है बिल्कुल लो पे कर दी है, चीनी और मिल्क मेड हम इसमें डालने लगे हैं ताकि जले नहीं हमारी ये जो खीर है, इसलिए फ्लेम मैंने बिल्कुल लो पे कर दी है। अब इसमें मैं डालूँगा थोड़ी सी चीनी, आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा जैसा आपको मीठा पसंद है। मैं इसमें मिल्क मेड भी डाल रहा हूँ, इसलिए मैंने सिर्फ 4 चम्मच चीनी डाली है, छोटे चम्मच, बड़े नहीं। जी, साथ में मैं इसमें 2 चम्मच इसमें डालने वाला हूँ मिल्क मेड। वाह जी वाह। और इसी चम्मच से मैं इसको धीरे धीरे हिला देता हूँ पहले। मिल्क मेड जो है ना इसको काफ़ी अच्छी थिकनेस दे देगा और मिठास भी जो है ना बहुत बढ़िया वाली आ जाएगी इसमें। बस अब इसको हल्का हल्का मैं हिलाता रहूँगा, फ्लेम मैं फिर मीडियम में कर दूँगा क्योंकि अब मैं इसको हिला सकता हूँ। अब देखिए साबूदाना में थिकनेस बहुत अच्छी आनी शुरू हो गई है, कलर भी बहुत अच्छा हो गया है। बस जी, गैस बंद करने से तकरीबन 1 मिनट पहले आप इसमें थोड़ी सी जो हमने किशमिश भिगो के रखी हुई थी वो डाल दीजिए। थोड़े से बादाम जो हमने काट के रखे हुए थे और पिस्ता, मैं वो डाल रहा हूँ। बस जी, एकदम बढ़िया लुक आ गया है और इसको हम आराम से हिला लेंगे 1 मिनट के लिए। और बस ये गैस मैं अब कर दूंगा बंद और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, उसके बाद इसको सर्व करेंगे। आप इसको गरम गरम भी खा सकते हो, ठंडा खाएंगे तो और भी ज़्यादा स्वाद आता है, अपनी अपनी पसंद है। तो जी, हमारी साबूदाना खीर बनके बिल्कुल तैयार है, एकदम बढ़िया। आप थिकनेस देखिए इसकी कितनी बढ़िया है, मैं आपसे सच कह रहा हूँ, एक बार आप इसको बना के देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा।
और मैं आपको एक बार टेस्ट करके भी बता देता हूँ कैसी बनी है। बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। मैंने बनाई है इसलिए नहीं, आप भी खुद बना के देखिए, आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। हमारे 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएं। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।